वेलकम अगेन और गुड मॉर्निंग विद सभी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हिना कोमल की ब्राइडल प्रेजेंटेशन, मेहंदी की ब्राइड जो है वो बिल्कुल रेडी है। लेट्स सी, देखते हैं और सॉन्ग प्ले किया जाए। भाई वाह, जबरदस्त इना, क्या जबरदस्त। अच्छा, आजकल की जो ये मेहंदी और माइयों का कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, उसमें थोड़ा मतलब ब्राइट को मेकओवर भी किया जाता है, स्टाइल भी बनाया जाता है, ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले जो होता था हमारे ना फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे में। अब क्या होता है, हमें याद रखने की हमारी मेमोरी के लिए, कि हम ये याद रख सकें हमारी मेमोरी, हम इसको अच्छी तरह के हमारी यादगार रहे, तो इस वजह से आप तैयार भी होना पड़ता है। जब फोटोग्राफी होगी तो तैयार भी होंगे। अच्छा भी लगना, अच्छा भी लगना बहुत जरूरी है। अच्छा, स्टाइल का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इन है आजकल? जैसे पार्टीज वेयर में हम लोग डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं, फिर लड़कियां आयरन, जैसे मैंने अपने बालों को स्ट्रेट करवाया हुआ है, कुछ लोगों को होता है कुछ स्टाइल बनाया जाए, तो स्टाइल कितना हमारा इन है हमारे फैशन में? बहुत है हमारे, अगर 50% हमारा मेकअप है तो 50% हमारा हेयर स्टाइल मानी रखता है, क्योंकि हम हेयर स्टाइल से हम अपने मेकअप को ना उठाते हैं। अगर हम स्टाइल, अगर हम हल्का सा बिल्कुल मेकअप लुक लेते हैं, कि जैसे आपने देखा होगा जो टीन एज लड़कियां सिर्फ लिपस्टिक लगा लें और हेयर स्टाइल अच्छी तरह बना लें, तो बिल्कुल एकदम उनका ना बिल्कुल चिरक खिल जाता है। तो हेयर स्टाइल हमारा ये है कि बहुत मायने रखता है हेयर स्टाइलिंग हमारी। अच्छा, मैं आपसे कुछ, ऑफ कोर्स यू आर ब्यूटिशियन है और मेकओवर भी करती हैं, आपके पास स्टाइलिंग के लिए लोग आते हैं, क्लासेस भी दे रही हैं, तो आपको बहुत सारी नॉलेज भी होगी ऑफ कोर्स। अभी जैसे आपने कहा कि बालों में आपने क्रम्स किए थोड़े, तो थोड़ा हेल्दी करने के लिए, तो फ्लफी सा लगे, तो आया कि मुझे बताएं, जो लोग खवातीन कलर्स करवाती हैं बालों में, उसके बाद डैमेज होने की, उसके रीजंस क्या क्या है कि बाल खराब होना शुरू हो जाते हैं, तो हमें कैसे केयर करना चाहिए? देखिए, बालों में जो केमिकल लगाएंगे तो ऑब्वियसली बाल हमारे डैमेज पे जाएंगे, ये रियल बात है, कोई लेकिन ये है कि हम उसके साथ साथ बताते भी हैं कि आपने ये चीज लेनी है, आपने केराटिन लाजमी लेना, क्योंकि हमारे बालों से केराटिन खत्म हो जाता है, तो केराटिन हमने लाजमी लेना होता है, तो वो हम लोग नहीं ले पाते, क्योंकि लोग कहते हैं कि कहीं ऐसी सस्ती सी चीजें यूज कर लेंगे हम केराटीन के अल्टरनेट, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो और बाल डैमेज हो जाता है। लेकिन जब बाल डैमेज होता है, जल जाता है, तो फिर जाहिर बात है बाल टूट जाता है, हमारे बाल उतरने लग जाते हैं बिल्कुल। अच्छा, पहले के जैसे जब ये इतने कलर्स के ऊपर लोग नहीं गए थे, बालों में एक शाइन सी थी, खूबसूरती थी, हेल्दी भी बाल था, और बालों का केराटिन था ना बालों के अंदर। जब हम बालों का केराटिन ही निकाल देगा, 80% हमारे बालों में केराटिन होता है, अब जब हम वही निकाल देंगे, रीढ़ की हड्डी हम तोड़ देंगे, तो फिर बाल कहाँ जाएगा?
उसके अंदर वो शाइन खत्म हो जाती है, शाइन खत्म हो जाती है, शाइन भी होती है अगर आप सीरम वगैरह यूज करें, ठीक है। आप शैम्पू आप चले वही वही फॉर एग्जांपल अपने कलर्स करवा लिए, अब हमको उसके लिए केयर क्या क्या करने स्टेप्स, उसी लिहाज से हमने शैम्पू यूज करना है, उसी लिहाज से हमने उसका मास्क यूज करना है और उसी लिहाज से हमने सीरम यूज करना है। ये तीन चीजें हमने लाजमी लाजमी करनी है बालों की जब हम आफ्टर वॉश करेंगे, तो सीरम तो लगाना है ताकि हमारे बालों में शाइन रहे, हमारे बालों का पीएच लेवल जो है ना वो डाउन हो जाता है या फिर ज्यादा हाई हो जाता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमें शैम्पू मास्क और सीरम ये सब चीजों को ये तो हमें रेगुलर रखना ही रखना है वीक में 2 डेज ताकि हमारे बाल जो है ना वो डैमेज होने की तरफ ना जाए। और अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं तो फिर आप केराटिन ले लें बालों में। अच्छा ठीक है, बड़ा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, राज की बात है नाजीन, मैं आपकी साइड ले रही हूँ, बहुत एक्सपेंसिव है आप क्या करना देखें चीज़? बालों में कलर कराना बहुत इजी है लेकिन उसको जो मेंटेन रखना है वो कॉस्टली भी है और मेहनत ये पहले ही सोचना चाहिए, ये पहले सोचना चाहिए वरना फिर मेरे साथ सीधा सीधा देसी नुस्खा है वो ऊपर चुकंदर का कलर लगा लें, आमला रीठे इस्तेमाल कर लें, उसके लाइफ टाइम मेरे ख्याल में आपके बालों में आमला रीठा तो पहले जमाने के लोग आमला रीठा लगाते थे, उनके बाल खाते भी थे, खाते भी थे लेकिन अब नहीं है ना, यहाँ पे खुराके ही नहीं है बिल्कुल नहीं, हकीकत सही कह रहे हैं, आमला रीठे के बकायदा वो रीठे के जो छिलके हैं उनको झाग बना के पाउडर पानी करते थे, वो पहले भिगो के उसको उबालते थे काफी टाइम तक, फिर उसकी झाग के जो है ना उससे वॉश किया जाता था, अब लोग नहीं करते, नहीं करते लोग, अब दरअसल अब मेहनत नहीं करना चाहते, बना बनाया मिल जाए, मेहनत तो करनी पड़ती है बालों के लिए। लेकिन इसका एक और भी मैं एक नाज़रीन से कहूंगी कि ऑफ कोर्स ये जो हम लोग कलर्स करवाते हैं इट्स टोटली केमिकल, केमिकल एक बालों का कट डाउन होना, फिर वो शौक तो पूरा हो जाता है, वो 3 दिन तो शादी में बहुत अच्छे लगते हैं, ओ माय गॉड नया स्टाइल, हेयर कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट उसके बाद किससे शुरू होता है, साइड इफेक्ट बहुत, यही ना हमें मेंटेन करना होता है, हम लोग भूल जाते हैं हमें क्या करना है, लेकिन अगर आप मेंटेन रखेंगे तो आपका बाल ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहेगा। और मैं नाज़िम को इसीलिए साथ साथ टिप भी दूँ, और हिना से मेरी बात हो रही थी, तो आप जितना हो सके जैसे प्याज का पानी आप रात सारी पानी भिगोएं उसको, प्याज को उसका पानी यकीन करें स्मेल जरूर है, अंडे का तो फिर आपको पता कैसे चिपचिपाहट होती है, लेकिन अंडे का जो है जब तक वॉश नहीं किया जाए, लेकिन प्याज का पानी जो है वो थोड़ी देर जरूर आप एग्रेसिव होंगे स्मेल से, उसके पानी को अगर आप जड़ों में लगाएंगे, जड़ों में बालों में नहीं, वो आप ऊपर के हेयर को नहीं आप अंदर के जड़ों में जरा मसाज करें, तो मैं रियल मैसेज बता रही हूँ, कम से कम आप रेगुलर हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल किए करें और उसके बाद देखें 6 मंथ के बाद आपके जो बाल हैं वो एक तो बहुत हेल्दी भी हो जाएंगे, मोटे जिसे बोलते हैं बाल, और ब्लैक भी आने लगे, अगर वाइटनेस है तो वो ब्लैक की तरफ, जो न्यू बाल जो निकल रहा होता है अक्सर कई कई जगहों पर वाइटनेस निकलती है ना, हर जगह तो नहीं होता, तो वो बाल जो है ना वो जो व्हाइट निकल रहा है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, ये मैं सच कह रही हूँ, बी प्रैक्टिकल है, आप वैसे भी अपने दादी वगैरह नानी से भी पूछे तो वो भी इसके जो है बड़ी अफादियत बताएंगे, प्याज के पानी की, मेथी का बड़ा फायदा है, ऑयलिंग नहीं करते जैसे हमारी पहले हमारी दादी हमारे ना मूली का तेल लगाती थी बकायदा, वो जब कोहलू नहीं होते तो उससे पिसवा के सामने रियल निकलवाती थी, और जब लगाते थे ना हमारी स्कैल्प पे जलन होती थी, तो वो बालों के लिए इतना जबरदस्त है मूली का तेल, बहुत जबरदस्त है। अच्छा मैं कह रही हूँ कौन सा ऑयल है जिसमें जलन होती है, तो मैं मेरी वालदा भी लगाती थी, वो इसमें एक और रीजन भी होता था कि वो जुओं के लिए भी होता कुछ, जो जैसे अभी सीजन है छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो सर पसीना आ रहा है, तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है, फायदेमंद और ये आप मेरे जहन में ये नहीं मतलब मूली का कुछ चलन वाला तेल होता था, अब मुझे याद नहीं वो कौन सा ऑयल बोलते थे, लेकिन वो कहते थे अम्मी वो मिर्चों वाला तेल मत लगाइएगा, वो वाकई में बहुत बहुत एग्रेसिव होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीनो शो, जाते जाते कोई मैसेज अपने नाज़रीन को अपने ब्यूटिशियंस को? बस मैं कहती जो भी फैशन करें उसकी प्रिकॉशन जरूर याद रखें, उसमें करना जरूरी है, आपका आपके बालों को या स्किन को जो भी है उसके बाद की आफ्टर केयर जरूर कीजिए। बड़ी अच्छी बात, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल हम तो फिर आएंगे आपको भी फिर बुलाएंगे। चलिए जी नाज़रीन कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।